ये तो आप जान ही चुके होंगे कि आग को कंट्रोल करने की शक्ति को पायरोकाइनेसिस कहते हैं। पायरोकाइनेसिस के जरिए आप अपने हाथों से फायरबॉल क्रिएट कर सकते हो, अपने शरीर को पूरा का पूरा आग में बदल सकते हो, जब चाहे किसी भी चीज में आग लगा सकते हो और आग बुझा भी सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे पायरोकाइनेसिस की पावर गेन कर सकते हो। पायरोकाइनेसिस तभी आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हो जब आप गुस्से में होते हो, क्योंकि गुस्से के दौरान आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। क्योंकि पायरोकाइनेसिस के दौरान अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल खो बैठे तो आप लोगों को चोट पहुंचाने लगोगे। इसीलिए पायरोकाइनेसिस करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो है मेडिटेशन करना। वैसे पायरोकाइनेसिस करने की टेक्निक तो कुछ और है, बट मेडिटेशन आपको इसीलिए करना है ताकि आपका अपने इमोशन पर पूरा कंट्रोल रहे। सो पायरोकाइनेसिस करने के लिए सबसे पहले आपको 15 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के बाद आपको एक ऐसी रूम में जाकर बैठना है जिस रूम में बिल्कुल भी शोर शराबा ना हो। अब उस रूम में पूरा अंधेरा कर देना है। उस रूम में ना ही कोई लाइट्स आनी चाहिए और ना ही कोई आवाज। अब उस रूम में मेडिटेशन के पोज में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेना है और आंखें बंद करने के बाद आपको उस रूम के टेम्परेचर को फील करना है, महसूस करना है। मतलब आपको ये फील करना है कि उस रूम का टेम्परेचर अभी हाई है, लो है या नॉर्मल है। अब धीरे धीरे आपको ये विजुलाइज करना है कि उस रूम का टेम्परेचर हाई हो रहा है, आपको धीरे धीरे गर्मी लग रही है, गर्मी की वजह से उस रूम की चीजें पिघल रही हैं, चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है। कुछ दिनों तक आपको इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। रिजल्ट के तौर पर कुछ टाइम बाद आप ये नोटिस करोगे कि जब भी आप उस प्रोसेस के दौरान ये विजुलाइज कर रहे हो कि उस रूम का टेम्परेचर हाई हो रहा है, तब सच में ऐसा होने लगेगा। मतलब आप अपने माइंड के शक्ति के जरिए अपने आसपास के टेम्परेचर को कंट्रोल करना सीख चुके होंगे। इस पावर के जरिए सिर्फ आप टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते बल्कि आप टेम्परेचर घटा भी सकते हो। मान लो आपको किसी जगह गर्मी लग रही है तो आप उस जगह के टेम्परेचर को लो करके उस जगह को बिल्कुल ठंडा कर दोगे, एकदम एसी की तरह काम करेगा आपका ब्रेन। तो जब आप टेम्परेचर को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट बन जाओ तब फिर से उसी रूम में अंधेरे में जाकर आपको बैठना है, लेकिन इस बार अपने सामने आपको एक मोमबत्ती रखना है और उस मोमबत्ती को जलाकर उस बत्ती की तरफ पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना है। ये ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस को करने के समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। उस कैंडल की बत्ती की एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होना है। अगर आप पूरे फोकस के साथ उस बत्ती की तरफ देखोगे तो कुछ टाइम बाद आप उस बत्ती के टेम्परेचर को अपने अंदर फील कर पाओगे। तो जब आपको ऐसा लगे तब आपको ये विजुलाइज करना है कि उस बत्ती की टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे आप अपने आसपास के टेम्परेचर को घटा रहे थे ठीक उसी तरह अब आपको सिर्फ उस बत्ती की टेम्परेचर को घटाना है और थोड़ी देर बाद टेम्परेचर इतना कम कर देना है कि वो मोमबत्ती एकदम बुझ ही जाए। इसी तरह से आप कैंडल या किसी भी चीज में आग लगा भी सकते हो। वो कैसे? वेल, इस बार आपको उस चीज के टेम्परेचर को घटाना नहीं है बल्कि बढ़ाना है, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने रूम के टेम्परेचर को बढ़ाया था। अब अगर आप अपने हाथों से माइंड पावर के जरिए फायर बॉल क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने शरीर के ची एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। अब जिनको नहीं पता कि ची एनर्जी क्या होता है तो मैं आपको बताऊं कि ची एनर्जी आपके शरीर की एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जिसकी मदद से आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपको ये विजुलाइज करना है कि आपके अंदर जितनी भी ची एनर्जी है वो एक सफेद बॉल के आकार में आपके दोनों हाथों के बीच में आ चुका है। अब आपको अपने माइंड पावर से अपने आसपास के टेम्परेचर को उस एनर्जी बॉल में इकट्ठा करना है। मतलब सारा का सारा टेम्परेचर उस बॉल में समा जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उस एनर्जी बॉल की टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाएगी एंड इवेंचुअली इट विल टर्न इनटू अ फायर बॉल। लेकिन हाँ, पहले दिन से ही फायर बॉल क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। आपको एकदम शुरुआत से स्टार्ट करना है जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है, बाकी आपकी मर्जी। सो प्रोसेस तो मैंने बता दिया। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना और कॉमेंट करके मुझे ये बताओ कि अगर आपको पायरोकाइनेसिस की पावर मिल जाती है
तो आप उस पावर को कैसे यूज करोगे, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।